आप सभी जॉब एस्पिरेंट्स का माय सिलेबस में स्वागत है। ज्वाइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 2500 वैकेंसीज निकाली है। आज हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, साथ ही इसके चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, सभी कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, अप्लाई कैसे करें, सभी कुछ हम आप से शेयर करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो त्रिपुरा एमटीएस 2021 वैकेंसी से संबंधित है इस वीडियो में मिलेगा। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ उठा पाएं। अब आइए बिना विलंब किए हम जानते हैं वैकेंसी डिटेल्स को। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आई है वो है ज्वाइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा, जिसको JRBT भी कहते हैं। जिस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप डी के लिए, कैटेगरी है नॉन टेक्निकल। टोटल जो वैकेंसीज है वो है 2500 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, जिसमें अलग अलग वर्ग के लिए रिजर्वेशन है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके मुख्य तीन चरण हैं। पहला रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। आगे हम बहुत सारी डिटेल्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो अवेलेबल है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। त्रिपुरा एमटीएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट का। तो कैंडिडेट का मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम 41 इयर्स तक है। वही एज रिलैक्सेशन एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और गवर्नमेंट सर्वेंट को है 5 इयर्स का। बाकी का डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। कोविड के कारण एक साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलेगा। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट का जो जनरल क्लास के हैं उनको क्लास 8 पास होना अनिवार्य है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। वहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का क्लास 5 पास होना किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से अनिवार्य है। त्रिपुरा एमटीएस के सैलरी की बात करें तो इनका पे स्केल जो बेसिक है वो 4840 रुपीज से 13000 का है। इनको ग्रेड पे 1400 तक का है। ये इनिशियल सैलरी है, इसमें रिवीजन होता है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के अकॉर्डिंग और ये टाइम टू टाइम बढ़ता है। एप्लीकेशन फी, एग्जाम फी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 200 है और एसटी एससी यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 150 रुपीज है। वहीं पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट जो है वो एग्जेम्प्टेड है, यानी कि उनको कोई फी नहीं लगेगा। पेमेंट मोड की बात करें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। त्रिपुरा एमटीएस के रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें रिटेन टेस्ट 85 मार्क्स के और इंटरव्यू 15 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज और इंग्लिश से होंगे, जो कि पेपर 1 होगा, ये 50 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 2 आवर्स का टाइम होगा। वहीं जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर से 35 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए भी 2 आवर्स का टाइम होगा। बाकी का डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में जीके और करेंट अफेयर 6 मंथ्स का जरूर पढ़ें, जो कि इंडिया और त्रिपुरा से रिलेटेड होगा। बाकी का डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। जनरल स्टडीज, इंग्लिश और अर्थमेटिक के सिलेबस की बात करें तो बेसिक इंग्लिश, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं पे बंगाली और कोक बोरोक का आपको नॉलेज होना आवश्यक है। अर्थमेटिक में आपके प्रश्न एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से होगा, जो कि क्लास 5th लेवल का पूछा जाएगा। अब हम जानते हैं अप्लाई कैसे करें, यानी हाउ टू अप्लाई। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट employment.tripura.gov.in पे जाएं, उस वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपने जो जरूरी डिटेल्स है उसको भरें, फी पेमेंट करें और प्रीव्यू करके सबमिट करें। सबमिट करने के बाद पीडीएफ सेव करके जरूर रखें और अप्लाई 11 फरवरी 2021 से पहले कर लें, ये लास्ट डेट है।
आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए भेजें, हम उसका आंसर करेंगे। इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट और एग्जाम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।